पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने रियासी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी को मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर भीम सिंह ने कहा कि रियासी के लोगों ने कई कुर्बानियां दी हैं जो वो कभी भी भुला नहीं सकते। वहीं पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह भारत पाक दोनों देशों में रहने वाले लोगों का खून एक होने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान सरकार पर बातचीत करने का भी जोर दिया। वक्त इंडिया के लिए शुभम शर्मा। प्रेस नहीं होती और जो लीडर जो हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं ये पावर में नहीं होते और वहाँ आर्मी नहीं होती तो ये हालत नहीं होती। ये याद रखिए तारीख है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तारीख है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा भी हमारी आज से 70 साल पहले तारीख क्या थी। हम एक वतन थे, हमारा एक जो था कल्चर था, आज भी वो कल्चर नहीं बदला है। सिर्फ पावर की लड़ाई है, ना दिल्ली वाले समझे ना इस्लामाबाद वाले समझे। ये बात एक शख्स की जेल की नहीं है, मैंने रेट पिटीशन लगाई है। जो जेल में हैं एक्स वो नेवी मैन, क्या नाम उनका, यादव साहब, उनकी हम पैंथर्स पार्टी ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है, लेकिन आज तक हिंदुस्तान नहीं लगा सका है। पैंथर्स पार्टी ने इंटरनेशनल जो मामला आया तो पैंथर्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया था और भारत की सरकार को मजबूर किया था, मजबूत किया कि भाई आप जाइए और इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए। आज हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक खून है, एक तहजीब है, एक तमद्दन है, एक इतिहास है।